रायपुर, कोरोना संकट में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी में आंध्र प्रदेश के साथ पहले स्थान पर। पिछले अक्टूबर की तुलना में इस अक्टूबर में 26% ज्यादा जीएसटी संग्रहण। पेंड्रा मरवाही विधानसभा सीट पर कल होगी वोटिंग, जिसे लेकर 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 191,244 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। रायपुर, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन। बड़गांव विधायक पारसनाथ रजवाड़े कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 29 अक्टूबर को मरवाही यात्रा के दौरान वो उनके संपर्क में आए थे। रायपुर सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में हुआ बड़ा निर्णय। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में 1 दिसंबर से की जाएगी धान की खरीदी। रायपुर अनुपम नगर में निवासरत विश्वकर्मा परिवार के द्वारा 85 वर्षीय रमा जी के समाज सेवा के प्रति अपने दायित्व को पूरा करते हुए उनके सहित पूरे परिवार के 6 सदस्यों ने की देहदान की घोषणा। जांजगीर चांपा, महुआ शराब को लेकर जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। जिले के ग्राम पंचायत कमरीद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। हजारों लीटर महुआ शराब और हजारों क्विंटल महुआ पास और एक गाड़ी महुआ शराब बनाने के उपकरण जब्त। बिलासपुर पुलिस ने शनिवार शाम हुए किसान के अपहरण मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बिलहाट क्षेत्र में किसान का शनिवार की शाम अपहरण कर लिया गया था। सरायपाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ का पटाखा किया जब्त। पुलिस ने मामले में आरोपी व्यापारी नितेश अग्रवाल को किया गिरफ्तार। इस कार्रवाई के बाद जिले के पटाखा व्यापारियों में मचा हड़कंप। कोड़ा गांव, दिया बनाने वाले को मिला नेशनल अवार्ड। सोशल मीडिया पर छाई दिए की तस्वीरें। शिल्पकार अशोक चक्रधारी ने 24 से 40 घंटे तक लगातार जलने वाला मिट्टी का बनाया दिया। अशोक कई सालों से कर रहे हैं यही काम। धमतरी, आईपीएल मैच के दौरान सट्टा खिलाते 3 सटोरियों को नगरी थाना पुलिस ने पकड़ने में पाई कामयाबी। आरोपियों के कब्जे से 1 से ज्यादा नगद सहित लाखों रुपए की सट्टा पट्टी और 3 मोबाइल जब्त। अंबिकापुर थाना गांधीनगर क्षेत्र अंतर्गत 1.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर किया जेल में दाखिल।